सिर्फ 3 मिनट में बाजार से भी बढ़िया चना भूनने का एक ऐसा सीक्रेट तरीका दोस्तों आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जैसे कि हम ठेले में भुने हुए चने खाते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही चने आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। तो इन चने को बनाने के लिए कोई भी स्पेशल चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम सोचते हैं अरे ये चने कैसे इन लोग भूनते हैं, कैसे सेकते हैं, और हमारे घर पर ये जो काले वाले चने होते हैं बस इसी ही आज हम इस भुने हुए चने को बनाने वाले हैं। और चना तो दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा करता है। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उन्हें एक छोटी कटोरी भुने हुए चने को ज़रूर खाना चाहिए। बहुत ही तेज़ी से वेट लॉस होता है। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हें भी 1 से 2 मुट्ठी चना जरूर खाना चाहिए। नाश्ते के रूप में खाएँ, किसी ना किसी रूप में आप चने का सेवन ज़रूर करें। हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, साथ ही साथ जिन्हें चश्मा लगा है वह चश्मा भी उतर जाता है चने का सेवन करने से। बहुत ही फायदेमंद है। 1 कटोरी में मैंने यहां पर 1 छोटी चम्मच नमक लिया है, 1/2 छोटी चम्मच से कम हल्दी पाउडर लिया है, और अब आपको यहां पर लेना है कम से कम 2 से 3 चम्मच आपको पानी लेना है। धीरे धीरे ही पानी मैं डाल रही हूं। नमक, हल्दी और पानी तीनों को आप अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि दोस्तों हम ये जो चने सेकने वाले हैं ना, तो आपने देखा होगा जब हम ठेले वाले के उससे चने खाते हैं, फूटे हुए सिके हुए चने खाते हैं, उनमें हल्का सा पीलापन होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर हल्दी डाली है दोस्तों, तो चने का कलर अच्छा आएगा, सिर्फ इसलिए हल्दी डाली है। और नमक क्यों डाला है, क्योंकि ये थोड़े सॉल्टी होते हैं, आपने खाया होगा तो टेस्ट याद आ गया होगा आपको, थोड़े से नमकीन से होते हैं। पानी इसलिए डाल रहे हैं, हल्दी, नमक और पानी, ताकि जो चना है इसकी जो ऊपर की लेयर है जो कि बिल्कुल ड्राई है वह थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, थोड़ी सी नरम हो जाए, ताकि चने को फूटने में आसानी हो। तो बस पानी, नमक और हल्दी धीरे धीरे करके ही डालते जाना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने चने बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं, इसलिए मैं पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। और कम से कम आपको इसे 10 से 15 मिनट आप इसे ऐसे ही छोड़ दें, ताकि जो नमक और हल्दी का पानी है वो चने में अंदर तक के जा सके, और इससे इसके छिलके नरम हो जाएंगे और हमें इसे भूनने में सेकने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसे भूनने की तरफ। गैस चालू कर दिया, लोहे की कढ़ाई रखी, बहुत पुरानी कढ़ाई है ये मेरी, और इसे ज़्यादातर मैं इसी तरह से मूंगफली सेकने के लिए या फिर इसे चना सेकने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने इसमें नमक डाला। ये जो नमक है सादा नमक है, हमारे घर पर ही जो हम रोज़ रेगुलर नमक खाते हैं। इस नमक को आपको फेंकना नहीं है, बार बार आप इसी नमक का यूज़ करें, चाहे तो चने को भूनने, चाहे तो मूंगफली को सेकने के लिए, आप चाहे तो जो भी बेकिंग करते हैं, केक बनाते हैं, आप उस समय भी इसी नमक का यूज़ करें। जब नमक ठंडा हो जाए ना दोस्तों, तो फिर से आप डब्बे में स्टोर कर लें। अब मैंने क्या किया दोस्तों, 1-2 बार इसे फिर से मिक्स कर दिया है, चनों को ऊपर नीचे कर दिया है, और हमें इसे भूनना शुरू करना है। हल्का सा मुझे पानी लग रहा है, इसलिए मैंने अपने किचन टॉवल में इसे डाल दिया है, ताकि थोड़ी सी जो नमी है वह इस कपड़े में आ जाए। पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो क्या होगा, जो हम नमक में से भुनेंगे ना, सेकेंगे ना, तो सारा नमक इसके पानी के कारण चने में बहुत ज़्यादा चिपक जाएगा और बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा नमक हमें नहीं खाना चाहिए, खासकर जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वे कम से कम नमक का प्रयोग करें। ज़्यादा नमक वज़न को बढ़ाता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। नमक बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, कई बार हम सेकते हैं तो चने हमारे फूटते नहीं हैं, तो इसका कारण यह है कि नमक कम गर्म है। तो जैसे ही मैंने चने को डाला, गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दी है और नमक को बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए, तभी आप इसमें चने डालें। ठंडे नमक पर चने नहीं डालना है। तो ये देखें जैसे ही मैंने डाला, चने में जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर था उसके कारण थोड़ा नमक चिपक गया। अब आप देख सकते हैं चने फूटना शुरू हो गए हैं, ये देखें क्रेक्स आना शुरू होने। दोस्तों बड़ा अच्छा लगता है जब ये फूटते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है। बच्चे तो इसे देखकर बड़े खुश हो रहे हैं कि कैसे चना फूट रहा है। थोड़ा बच्चों को दूर रखें, क्योंकि कई बार ये छिटक कर भी आ जाता है थोड़ा, इसलिए ये देखें कितने अच्छे से चने फूट रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी। दोस्तों मात्र 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है इन चने को फूटने में। बस एक बात का ध्यान रखें, हाई फ्लेम पर आपको इस काम को करना है। इसके अलावा नमक जो हमने कढ़ाई पर रखा है वो बढ़िया अच्छा गर्म होना चाहिए। तो पहले से ही मैंने इस कढ़ाई को गर्म होने रख दिया। एक तो लोहे की कढ़ाई है, गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठंड का मौसम है, और नमक को भी गर्म होने में थोड़ा टाइम लगा, इसलिए मैंने पहले ही रख दिया था। तो चने बढ़िया अच्छे फूट रहे हैं, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे सभी चने में क्रेक्स आ गए हैं, बढ़िया अच्छे फूटने लगे। 1-2 मिनट इसे और कर ले,
तो बढ़िया अच्छे चने फूट गए हैं, और जो छिलके नमक नमक में आए हैं थोड़ा सा आप इसे फूंक देंगे ना तो भी ये छिलके उड़ जाएंगे जो नमक में है, नहीं तो बाकी चने हमारे थोड़े जल से जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया अच्छा तरीका है दोस्तों, और चना का सेवन ज़रूर करें आप लोग। और जिन लोगों को वज़न कम करना है वो तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि चना को रोज़ अपने नाश्ते में शामिल करें। आप चाहें तो चने को भून कर रख लें, बस इसी तरह से केवल एक मुट्ठी। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है कि ज़्यादा क्वांटिटी का चना न डाले, नहीं तो वह फूटेगा नहीं, वह थोड़ा सा कड़ा सा पड़ जाएगा, ऐंठ सा जाएगा। दोस्तों आप चाहते हैं आपके एक एक चने फूटे तो इसमें आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, क्वांटिटी कम लें। ये देखिए आप देख रहे हैं चने कैसे फूट के एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, बिल्कुल हिल रहे हैं। तो चने की क्वांटिटी आपको बहुत कम लेना है, हर बार आपको केवल एक मुट्ठी चना ही डालना है, और इस काम को हाई फ्लेम पर ही करना है। ये देखें कितने अच्छे से फूट रहे हैं चने, तो बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और हम सभी खाते हैं इसे, बच्चे भी बड़े अच्छे, बच्चे तो गुड़ और चना खाते हैं जो कि बहुत ही पौष्टिक होता है। तो बस इसी तरह से चने को मैं सेकती जा रही हूँ और प्लेट में निकालती जा रही हूँ। कढ़ाई में जो चने के छिलके आ रहे हैं काले काले दोस्तों, आप इसे थोड़ा सा फूकेंगे ना तो वो निकल जाएगा। बाद में इस नमक को आपको छान लेना है, छन्नी से अलग करना है, और इस नमक को आपको स्टोर करना है। तो नमक को तो हमें वैसे भी फेंकना नहीं दोस्तों, बेकिंग में यूज़ करें, कोई भी बहुत से काम में जब भी आप कोई इस तरह से भुनने की चीज़ें करते हैं आप इसका यूज़ करें। तो ये देखिए गरम नमक में डाला है और बिल्कुल चने फूटना स्टार्ट हो गए हैं। तो बहुत बढ़िया तरीका है दोस्तों, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें और चने को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। बहुत पौष्टिक होता है, हड्डियों के दर्द जोड़ों के दर्द से आराम मिलेगा अगर आप रोज़ एक मुट्ठी चना खाते हैं तो। और इस चने को आप खाएं दोस्तों थोड़ा सा और टेस्टी बना सकते हैं भुने हुए चने में। आप चाहें तो बारीक कटा हुआ टमाटर, ककड़ी, नींबू, धनिया, ये सब चीज़ें डालकर इसे और भी टेस्टी बना सकते हैं ताकि आपसे खाते बन जाए, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट है दोस्तों वे गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो सूखा ना लगे, इसलिए थोड़ा सा आप इसे और टेस्टी और हेल्दी बना सकते हैं। तो खैर चना तो अपने आप में बहुत ही हेल्दी होता है, तो गर्मा गर्म भुने हुए चने बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। खासकर जो लोग नए आए हैं जिन्होंने अभी मेरे चैनल को देखा है, प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और ये देखिए इस तरह से मैं, अगर चने के छिलके पसंद नहीं तो थोड़े से निकाल लें, और वैसे भी चने अच्छे सॉल्टी हो गए।